स्कूल लेवल के लिए बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्कूल में क्वेश्चन आना है, दो या तीन क्वेश्चन दे देंगे जिसमें तुम्हें ऑप्शन शीट निकालनी है, एवरेज वाली। कौन सी निकालनी है? एवरेज वाली, इजी बिल्कुल। और एक या दो क्वेश्चन किसके आने जरूर? बैलेंसिंग के, एसिक मीडियम बेसिक मीडियम। स्कूल में यही आना है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। रिडॉक्स नाइट्रेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा। मतलब वो पार्ट करना ना तो दो क्लास में चैप्टर खत्म। अगर वो पार्ट करना तो दो क्लास में चैप्टर खत्म हो गया पूरा। लेकिन मेन हमें क्या करना है? रिडॉक्स नाइट्रेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो इसमें नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो नोट करना है इसके अंदर, अब मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, बेंजल हेड है ना, एवरेज निकाल लोगे कि नहीं? एवरेज निकालनी है तो इसका फॉर्मूला देखेंगे पहले, क्या है? C6H6, C7H6O, यही है ना, C7H6O। तो 7x+6 -2=0। एक्स कितना आ गया? -4/7। समझ आया कि नहीं? एवरेज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एवरेज निकालोगे कि नहीं इसकी? अब जो निकालनी है स्टेट, तो उसके लिए ऊपर वाले कार्बन की ही बात करते हैं ज्यादातर। ये इलेक्ट्रॉन लेगा इधर, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, और नीचे तो नीचे दिखाएंगे क्या? नीचे एरो दिखाएंगे कि नहीं? दोनों कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज है? SP2, तो दिखाना नहीं है उसको, सही ना? तो नहीं दिखाना, हालांकि डिफरेंस है इनमें, लेकिन दिखाना नहीं है उसको। तो अब दो जगह से इलेक्ट्रॉन दिए तो -+2, एक जगह से इलेक्ट्रॉन लिया तो -1, तो क्या है नेट आंसर? +1। नहीं समझ आया? निकालना आ रहा है कि नहीं है? बेस्ट तरीका है, अगर तुम डिसीजन से करना सीख गए तो, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस पता होना चाहिए, किस पे नेगेटिव आना, किस पे पॉजिटिव आना, सारा हो जाएगा इससे। अच्छा नेक्स्ट है, ये था C7H6O, C7H6O। इसके अलावा नाइट्रोसो बेंजीन निकालना है अगर। अच्छा बाकी जगह निकाल लोगे ना, बाकी जगह कार्बन में क्या आएगा चार्ज? -1। एच पे क्या आएगा? +1। कर लोगे ना सारे अलग अलग निकाल लोगे हर एक एटम पे? और अगर तुम सारे एटम्स का नेट निकालोगे वो क्या आएगा? अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0। देखो आ रहा है कि नहीं? बार हर एक एटम निकालो कार्बन पे। इसमें एक कार्बन था +1 वाला, एक कार्बन कौन सा है? +1 वाला। बाकी 6 कार्बन कौन से हैं? -1 वाले। और 6 हाइड्रोजन कौन से वाले हैं? +1 वाले। आंसर निकालो नेट। और ऑक्सीजन क्या है? -2। एक बार निकाला क्या आ रहा है? -6 -2, -6 ये हो गया, -2 कितना हुआ? -8। और यहाँ पे क्या आ रहा है अभी? 6H+1 +6 +1, +1 आ रहा है। एक क्या रह गया? सात कार्बन है ना, 6 कार्बन है -1 वाले, 6 कार्बन -1 वाले, और 6 हाइड्रोजन +1 वाले। तो ये तो डायरेक्ट ही खत्म हो गया। अच्छा इस कार्बन से मैंने कंसीडर नहीं किया ना, इस कार्बन से कंसीडर नहीं किया ना, नीचे वाले कार्बन से। तो उसी का चार्ज दिखा रहा है ये, उसी का इमेजरी चार्ज दिखा रहा है। अदरवाइज एक न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर चार्ज क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड ले लो, हर एक एटम का है, जब तुम नेट सम निकालोगे, रिजल्टेंट निकालोगे, तो क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे नाइट्रोसो बेंजीन। नेक्स्ट नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन। और वो निकाला मेन तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन का पता नहीं, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितना आएगा चार्ज? देखो डायरेक्ट बताओ जल्दी से आंसर। +1 बता दिव्यांश, कितना रहा दिव्यांश? इतना टाइम थोड़ी लगेगा, एन से दोनों वो इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? वो लेगा ना, तो इधर लिया, इधर लिया, और इधर भी क्या होगा? इधर नाइट्रोजन लेगा,
तो नटजन दो जगह दे रहा है, दो जगह दे रहा है तो +2, और एक जगह ले रहा तो -1, है ना, एक जगह ले रहा तो -1, तो आंसर क्या है नेट, समझ आ गया कि नहीं है, नटजन क्या जाएगा +1। अब एक दो क्वेश्चन और थे ना शायद, क्या था, अच्छा C3O2 तो तुमने वैसे तो निकाल लिया ना, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब मैलोनिक एसिड को जब गर्म करते हैं ना तो ये बनता है, मैलोनिक एसिड को गर्म करते हैं ना CH2COH P4O10 डाल के या P2O5 डाल के, तो OH इसका, H इसका, OH इसका, H इसका, आ गया ना C3O2, देखो जरा समझ आया कि नहीं, मैलोनिक एसिड को P2O5 से ट्रीट करते हैं या P4O10 से, P2O5 या P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, तो आंसर आता है C3O2, स्ट्रक्चर ये है इसका। एवरेज निकाल लिया 3x-4:0, x आ गया +4/3, क्या समझ आया। अब मेन मेरे को चाहिए तीनों कार्बन पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, नंबर नहीं स्टेट चाहिए, तीनों कार्बन पे अलग अलग स्टेट चाहिए, बहुत सारे बड़ा बिजनेस करने पूर्वा, तुमने क्या क्या कर लिया उसमें, आयनी खत्म हो गया ना तुम्हारा, अब क्या कर रहे हो, जीओसी वाला भी पार्ट खत्म कर लिया ना, तुम भी लेवल थे उसमें आना है वेडनेसडे को, ठीक है ना, वेडनेसडे क्लास में आना है, मैं आइसोलेस आता थोड़ा कि नहीं, बिल्कुल नहीं आता, फिर जी में कितना हो गया हाइड्रो, अच्छा हाइड्रो जो खत्म हुआ, अच्छा वो तो मैं समझ आ रहा होगा, अच्छा माइस में बिल्कुल नहीं क्लास, चलो तुम आ जाओ देखते कितना समझ आता है, आ जाओ क्लास, क्लास में डिस्कस करो, तो कितने देता ये वाला क्यों नहीं, ये क्यों नहीं बना कर रहे, अच्छा है अच्छा, नहीं अच्छा अच्छा तो मान, चलो निकाला है कार्बन सब ऑक्साइड के अंदर, कार्बन सब ऑक्साइड में निकाल विधि, तुम बोलो जरा +2 0+2, ध्यान देना और किस किसने निकाल लिया +2 0+2, निकाल लिया सबने, निकल गया, बताने की जरूरत तो नहीं है फिर, ये पैराडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इनको, पैराडॉक्स रिएक्शन जिसमें डाई थोड़ा सा डाइसी होता है सिचुएशन, देखो जहां पे सिमेट्रिकल है उस पे जीरो, जहां पे सिमेट्रिकल है उस पे जीरो, तो बस अब इधर से इलेक्ट्रॉन, इस पे जब जीरो ही है तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर ही देगा इधर देगा, तो इस कार्बन पे क्या आ गया +2, ये कार्बन इधर देगा इधर देगा, तो इस पे भी क्या आ गया +2, समझ आ गया कि नहीं, बीच वाले पे जीरो तो +2 0+2, समझ आ गया कि नहीं है, तो एवरेज निकालोगे जब तीनों का, दो कार्बन +2 वाले यानी +4 हो गया, एक कार्बन जीरो वाला है यानी नेट क्या आया +2, कितने कार्बन +4 है, 3 पे तो +4/3, समझ आया, तो अब तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर और एवरेज समझ आ रहा है ना, शुरू से लेके अब तक एवरेज तो ऐसे निकालते हो ना, एवरेज कैसे निकालते हो, टोटल कर दिया डिवाइड बाय जितना नंबर है, तो ये भूलने वाली बात नहीं है, मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीजन स्टेट और ऑक्सीजन नंबर में क्या डिफरेंस है, तो ये भूलने वाला नहीं है, ऐसे ध्यान रखना, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हो, सारे बॉन्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा करके, जो इमेजिनरी चार्ज आता है बॉन्ड्स को हम अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं ना, आयनिक में तो ऑलरेडी क्या होते हैं डिसोसिएटेड होते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद जो चार्ज आ रहा है वो निकाल रहे हैं, तो हम मान रहे हैं अपनी तरफ से इसके, ये इमेजनरी होगा सही ना, ये इमेजनरी होगा, तो ये कार्बन सब ऑक्साइड है, नेक्स्ट एग्जाम्पल BR3O8 था शायद,
निकाल लिया अभी, Br3O8 स्ट्रक्चर। निकाला और इसमें Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, डाइथायोनिक एसिड याद है ना, H2S2O6 याद है कि नहीं, H2S2O6। तो इसमें बीच में ऐसे लगाते जाएंगे, थायोनिक सीरीज, थायोनस सीरीज, कुछ याद है कि नहीं, है ऑक्सो एसिड में पढ़ाई है, थायोनिक सीरीज और थायोनस सीरीज, ये थायोनिक सीरीज का है। अब पहले बताएंगे ऊपर Br3O8 में Br पे चार्ज क्या आएगा, क्या चार्ज आएगा इस पे, इधर जीरो, इधर पूरे पे जीरो, इसके अराउंड सिमेट्रिकल है दोनों साइड सिमेट्रिकल है इधर। अब यहां पे देखेंगे ये कितनी जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Br 6 जगह, तो +6 आ गया कि नहीं। और इधर Br कितनी जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 6 जगह, 6 बार बॉन्ड टूटेंगे, 6 के 6 बार दे रहा है ये, तो +6, +6। और बीच वाले पे +4, ब्रोमीन देखो ना, नेट जीरो है, नेट जीरो, +4 आएगा बी आर पे, सही ना, नेट बी आर पे क्या आएगा, +4, समझ आ रहा है कि नहीं है। अच्छा ये सब तो कर लोगे ना, Cr2O7 2 नेगेटिव पे क्रोमीन पे चार्ज कितना आएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव क्रोमीन पे चार्ज, तो 2x-14 इज इक्वल टू -2, -2 करोगे ना इसे, तो एक्स आएगा +6, ऑरेंज कलर, वही K2Cr2O7 ही है ये K2Cr2O7 ही है। अब Na2S4O6 निकाला है, Na2S4O6 चारों सल्फर पे, वैसे एक साथ भी निकालना आना चाहिए, एवरेज निकालना जरूर आना चाहिए, उसको नहीं भूलना, एवरेज निकालना जरूर आना चाहिए। क्या आएगा, निकाले Na2S4O6 कौन देगा आंसर इसका, बोले मांझू। हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, इसके अराउंड सिमेट्रिकल है, जीरो हो गया दोनों पे, इन दोनों पे जीरो। अब ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार दे रहा है, 5 बार, तो सल्फर पे +5 आ गया, सल्फर पे क्या आ जाएगा, +5, ये +5, तो 2 सल्फर +5, 2 सल्फर +5, 2 सल्फर 0, टोटल कितना हो गया 10, कितना सल्फर है 4, 5/2 आ जाएगी, आंसर निकाल के देखा, 5/2 आ रहा है कि नहीं, 5/2 आ जाएगा, समझ आ गया कि नहीं है, सोडियम टेट्राथायोनेट था ये, सोडियम टेट्राथायोनेट, नेक्स्ट नोट करेंगे, इसमें निकालो H2O2 में O पे, H2O2 में O पे, CrO5 में क्रोमियम पे, H2SO5 में सल्फर पे, निकालो इन तीनों, निकाले किसी ने, H2O2 Cr5 H2SO5, बता ये आदित्य, वो तीनों पे वाले बोल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
आयुष तू बोल, देख ले, देखो तेरा आंसर, तू स्टार्टिंग दे दूँ। हाँ H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ओ पे कितना आएगा, दोनों पे -1। बीच में तो दोनों के बीच में बॉन्ड सिमिलर है ना, दोनों ऑक्सीजन एटम्स ही है, तो दोनों पे क्या आएगा -1। और H2O2 पे डायरेक्ट भी निकालोगे तो भी क्या आ रहा है, 2 + 2x = 0, एक्स आया -1, तो इधर ओ पे -1 आ रहा है, एक्सेप्शन नहीं है ये। हाँ जनरली ऑप्शन पे -2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है -1, तो एक्सेप्शन कोई नहीं है ऐसा, समझ गए कि नहीं है। अब उससे अगले में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है पता ना, Cr5 का। Cr5 का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, तुम्हें खुद लग जाएगा बॉन्ड सब तोड़ो। जिसने +10 निकाला है, कई बच्चों ने +10 भी निकाला होगा इसका, किसने निकाला +10? किसने निकाला +10? ये दीवाने दिया, तुमने क्या निकाला था इसका, निकाला ही नहीं था। चलो +10 कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, स्टेट जो है 800 पर कभी नहीं जाएगी, 800 पर कभी नहीं जाएगी, सही है ये चीज ध्यान रखना। Cr5 ये स्ट्रक्चर बना दिया, अब स्ट्रक्चर देख के निकाल सकते हो कि नहीं, स्ट्रक्चर देख के कौन जाएगा, स्ट्रक्चर देख के यार। देखो इधर, देखो इधर बस तुम्हें क्या करना है, बॉन्ड तोड़ने सारे, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा +2, ये बॉन्ड इधर तोड़ा, ये बॉन्ड इधर तोड़ा, ये बॉन्ड इधर तोड़ा, ये बॉन्ड इधर तोड़ा, यही तो टूटेंगे बॉन्ड्स, समझ आया कि नहीं। तो क्रोम में कितने जगह इलेक्ट्रॉन दिए, 6 जगह, तो क्रोम की स्टेट क्या आएगी, +6, x-6। कितने ऑक्सीजन इसमें -2 वाले हैं, कितने ऑक्सीजन -1 वाले, एक -2 वाला है, 4 -1 वाले। अब पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना उससे निकालना हमेशा, बॉन्ड को तोड़ करके। तो एक क्रोमियम +6 वाला आ गया, और H2SO5 कैरोज एसिड भी कहते हैं इसको, H2SO5 क्या बोलते हैं इसको, कैरोज एसिड। और Cr5 अनस्टेबल कंपाउंड है, ध्यान रखना चीज का, Cr5 अनस्टेबल कंपाउंड है, टूट करके रूबी रेड कलर का दे देता है, रूबी रेड Cr3, ये रूबी रेड +O2 देता है टूट करके। और Cr5 क्या किसी को याद है किस रिएक्शन में बनता है, किसी को याद है, और ये IIT में शायद होता है कि इस साल ही पूछाओ या लास्ट ईयर पूछाओ। हाँ K2Cr2O7 में जब H2O2 डालते हैं तो एल्कोहलिक या ईथर मीडियम में स्टेबल ये वाला कंपाउंड बनता है Cr5, ब्लू परोक्सो कंपाउंड होता है, ब्लू कलर का परोक्सो कंपाउंड, ब्लू परोक्सो कंपाउंड याद रखना, ये ब्लू परोक्सो, ये IIT में पूछा हुआ है। रिएक्शन किसके बीच में होती है, K2Cr2O7 +H2O2, ये देता है Cr5 +K2SO4, ब्लू कलर का परोक्सो कंपाउंड होता है, अनस्टेबल होता है, ईथर मीडियम में कुछ स्टेबल है, टूट जाता है ये Cr3 रूबी रेड में, और Cr3 भी स्टेबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, टूट जाता है Cr2O3 +O2 में, Cr2O3 ग्रीन कलर का कंपाउंड है, पहले ब्लू परोक्सो कंपाउंड था, पहले क्या था, ब्लू परोक्सो कंपाउंड, उसके बाद Cr3 आया रूबी रेड, फिर क्या आया टूट करके Cr2O3, यानी Cr3 बन जाएगा कभी भी, या Cr5 का बन जाएगा कभी भी, तो एक्चुअल में क्या बनेगा उससे, Cr2O3 ग्रीन कलर का कंपाउंड है, विच इसको होता है ग्रीन टी भी होते हैं, दिस रिजेंबल्स ग्रीन टी, Cr2O3, Cr2O3 रिजेंबल्स ग्रीन टी, क्या नोट कर लिया, पूरा नोट कर लिया, तो ये ध्यान रखना। और H2O5 में एस की स्टेट क्या निकाली है, +4, आदित्य बताएगा क्या निकाली है, आदित्य 1 2 3 4 5 6, आदित्य बोल दी, ठीक
H2O5 स्ट्रक्चर आना चाहिए इसका। स्ट्रक्चर तो तुमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा है स्ट्रक्चर? ऑक्सो एसिड्स में याद है कि नहीं? H2SO5 ये स्ट्रक्चर आएगा, H2SO5। तो अब तुम निकाल लो इस सबको। सल्फर देख, सल्फर कितने का इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। क्या ही स्टेट आई, क्या आएगी स्टेट? +6। कितने ऑक्सीजन -2 वाले, कितने ऑक्सीजन -2 वाले? दो नहीं है, चार ऑक्सीजन -2 वाले ना। एक बार चेक करो, कितने ऑक्सीजन -2 वाले? नहीं नहीं चार नहीं है, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है यहाँ पे -2 वाले, है ना? तीन ऑक्सीजन है -2 वाले, और दो ऑक्सीजन क्या है? -1 वाले। दो ऑक्सीजन -1 वाले, क्लियर है? नहीं है, ये कर लोगे ना पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो। कैरोज एसिड है ये, कैरोज एसिड सही ना, H2SO5। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट नोट करेंगे। तो ये परोक्षण लिंकेज निकालना सीख लिया ना? सब में कंसेप्ट क्या चल रहा है? एक ही कंसेप्ट चल रहा है, स्ट्रक्चर बनाना आता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, स्ट्रक्चर बनाना आता तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट नोट करना है जो, अब कर लो, चलो ये निकाल लो। से HNC, HNC निकालो, HCN निकालो, CH3NO2 निकालो। और इन सब में ना मेरे को चाहिए अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स चाहिए CH3NO2 में। एक ये NCERT का क्वेश्चन भी है, CH3COH में दोनों कार्बन के ऊपर, CaOCl2 में दोनों Cl के ऊपर, Ke3 में I के ऊपर। निकालो जल्दी स्टेट्स। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला था, मेन कंपोनेंट जो होता है CaOCl2, CaOCl2 पढ़ा था ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा
लोग मैंने आने का तो किया था मैच, तो भी चक्कर आना अभी केमिकल आने के एनसीईआरटी बोली थी ना मैंने। देखो आंसर निकाल लिया तुमने, पहला एचसीएन बताओ, पहले एचसीएन ये आएगा स्ट्रक्चर। तो इधर सी जो है एन को कितनी बार इलेक्ट्रॉन देगा, और इससे एक बार लेगा, 3 बार दिया तो +3, एक बार लिया तो -1, +3 -1, क्या आंसर आ गया सी पे +2, एन पे -3, 3 बार लिए ना, और एच पे मुश्किल तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट पेपर में आएगा तो एवरेज ही आएगा, ध्यान रखना पेपर में अगर आता है तो तुम करोगे वन, कर्म में पूछेंगे 1 + x - 3 = 0, एक्स कितना आ गया +2। अब नेक्स्ट है CH3COH, दोनों कार्बन पे, और बैलेंसिंग कर रहे हो तो क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे तो अलग अलग निकालोगे या एवरेज निकालोगे, हमेशा एवरेज। तो 2x बैलेंसिंग कर रहे हो अगर, 2x +4 - 4 = 0, एक्स आ गया 0, समझ आया कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं है। अब कार्बन निकालना, CH3COH है, कार्बन पर निकालना है, कार्बन CH3COH। अब क्या करेंगे, इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन कितनी बार लिए हैं, 3 बार, और एक बार इधर क्या किया है, क्योंकि कार्बन sp3 कार्बन sp2, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इधर कार्बन पे पहले वाले पे क्या आएगा, 3 बार लिया तो -3, एक बार लिया तो, एक बार दिया +1, तो क्या आया -2। इस वाले कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन 3 जगह दिया, एक बार लिया, 3 बार दिया तो +3, एक बार लिया तो -1, क्या आया आंसर +2 - 2, 0 आया था नहीं एवरेज इसका, और बाकी तो इजी है ना, बाकी तो इजी है इसमें। उसके बाद CH3COH हो गया, CHOCl2, ये टूटता है इस तरीके से, Ca2+ प्लस OCl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो दोनों Cl पे चार्ज क्या आएगा, एक Cl पे तो दिख ही रहा है -1, एक Cl पे कितना दिख रहा है -1, और दूसरे Cl पे कितना है +1, वो पे -2 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, क्या आ गया +1, तो एक Cl +1 वाला है और एक Cl -1 वाला। कर लिया नोट, ये पूछते हैं इसके अंदर CaOCl2 में दोनों Cl का अलग अलग, एक -1 वाला है एक +1 वाला। अब Ke3 में, Ke3 एक I- होता है और दूसरा I2, I- के लोन पे कहाँ जाते हैं, इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो किसी भी एक पे क्या मान लोगे, किसी भी एक पे क्या मान लोगे -1, बाकी दो पे क्या हो जाएगी, किसी भी एक आई पे -1 और बाकी दोनों पे क्या हो जीरो, और वैसे एवरेज निकालेंगे तो, एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा 1 + 3x = 0, एक्स क्या आएगा -1/3, 1 + 3x = 0, एक्स क्या आएगा -3 -1/3। अब कौन कौन से रह गए, CH3NO2 रह गया और HNC, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3NO2 HNC, देखो निकाला किसी ने, देखो पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बना लिया कि नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था कि नहीं, ये बताओ क्या आया, तुम बताओ विधि, एन पे क्या आएगा, -3, देखो तूने क्या निकाला -3, देखो देखो ये सी ने, सी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा इधर भी लेगा इधर भी लेगा, क्या ये बात समझ आई, N3O से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और H से भी लेगा, तो कितनी बार इलेक्ट्रॉन लिए, 4 बार, तो -4, एक +1 पहले से था कि नहीं, एक फॉर्मूला दिख रहा है ना तुम्हें पहले से, तो क्या आएगा आंसर -3, समझ आया कि नहीं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड में समझ आ गया कैसे निकालना है। और इस वाले सी पे क्या होगा, 3 बार इलेक्ट्रॉन दिए प्लस 3, 1 बार इलेक्ट्रॉन, 1 बार नेगेटिव है ही तो +2, समझ आया कि नहीं। बैच का तो पता ही है। और एक CH3NO2 बोला था शायद, CH3NO2 है ना ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, क्या आएगा क्या आएगा इसमें। क्या आएगा इधर इलेक्ट्रॉन दिए 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 इधर से लिए, ऐसे होगा कि नहीं। नहीं समझाया, 3 बार ऑक्सीजन को देगा और 1 बार कार्बन से लेगा, तो प्लस का 3 आया और +1 पहले से था, +4 मान लो उसको सीधा, +4 -1 क्या आएगा आंसर, +3, समझ आ गया कि नहीं। +3 आएगा नाइट्रोजन पे, नहीं समझ आए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में निकाल लोगे कि नहीं, यूज एक क्वेश्चन है इसका एक्चुअली भी दिया हुआ है, ये दे देंगे क्वेश्चन, नाइट्रो बेंजीन पे क्या चार्ज आएगा। एन पे निकाल लोगे कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन देगा होना तो यही चीज है। CH3 ये क्या आएगा इसमें, एन पे 3 बार इलेक्ट्रॉन देगा 1 बार लेगा, 3 बार दिए तो +3, 3 बार यहां देगा और 1 बार लेगा तो +3, +4 हो गया, 1 प्लस पहले से था, +4 और -1 क्या आएगा, +3, निकाल लोगे कि नहीं है। जल्दी से एक चीज सुन लेंगे बस, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, जैसे प्रश्न ब्लू, Fe4 Fe6 होल थ्राइस पे क्या चार्ज होगा, Fe3 Fe6 होल ट्वाइस में दोनों Fe पे चार्ज क्या होगा, ब्राउन रिंग में आयरन पे चार्ज कितना है, सोडियम नाइट्रोक्साइड पे आयरन पे चार्ज कितना है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, वो बाद में बताऊंगा तुम्हें, पहले जल्दी से रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स नोट कर लेंगे। पहला रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल, C+O2 गिव्स CO2, सबसे सिंपल एग्जांपल है, C+O2 गिव्स CO2, सी पे चार्ज यहाँ 0 था, सी पे यहाँ +4, O2 पे चार्ज 0 था, O पे -2, हो गया कॉम्बिनेशन कि नहीं, ये क्या है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसका उल्टा भी कह सकते हो, CO2 से C+O2, CO2 से C+O2, या H2O2 से H2O+1/2 O2, H2O+1/2 O2, ये मत लिखो, इसमें तो चेंज नहीं आएगा ना, आ रहा है O पे आएगा ना, ये डिकम्पोजिशन में मत काउंट करना इसको, H2+O2 लिखो, H2+O2, ये एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन तो है, ये भी वो ना उसमें आएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, H2+O2 लिखो, यहाँ एच पे +1, यहाँ एच पे 0, यहाँ ओ पे -1, यहाँ पे ओ पे 0, समझ आया कि नहीं। ये क्या है डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu, तो जिंक से ZnSO4, जिंक था यहाँ पे, कॉपर सल्फेट में कॉपर कम रिएक्टिव था, कॉपर सल्फेट में कॉपर कम रिएक्टिव था तो उसको डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने, क्या बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो रिडॉक्स हुआ कि नहीं, साथ में डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, कॉपर इन कॉपर सल्फेट इज डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव जिंक एटम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो टेकिंग प्लेस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
डिस्प्रोपोर्शनेशन। नाम से भी लग रहा है, डिसोसिएशन प्रोपोर्शनेशन। डिसोसिएशन में कितना प्रोपोर्शन है, कितना रेशियो है, डिसोसिएशन प्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट सारे। जैसे पहला एग्जांपल लेंगे सबसे इजी, कॉपर प्लस से कॉपर टू प्लस प्लस कॉपर। क्या समझ आया ये? सबसे इजी इजी एग्जांपल है ये। थ्री कॉपर प्लस लेंगे क्या? नहीं, कॉपर प्लस से कॉपर टू प्लस प्लस कॉपर। समझ आया कि नहीं है? टू कॉपर प्लस गिव्स कॉपर टू प्लस प्लस कॉपर, बैलेंस इक्वेशन है ये। कॉपर प्लस वन से प्लस टू गया ऑक्सीडेशन, कॉपर प्लस वन से जीरो गया रिडक्शन। क्या समझ आया ये? ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, जी ए प्लस, थ्री जी ए प्लस से जी ए थ्री प्लस प्लस जी ए टू जी ए आएगा। जी ए प्लस से क्या बना? जी ए थ्री प्लस। जी ए प्लस से क्या बना? जी ए थ्री प्लस। जी ए प्लस से क्या बना? जी ए। तो ये भी क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या समझ आ रहा है ये? ध्यान रखना, इसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा। सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तुम्हें याद होगा ये हमने कहाँ पढ़ा है? निम्नलिखित बताओ, कौन सी निम्नलिखित में डिटेल में पढ़ा था हमने? कौन सी निम्नलिखित में डिटेल में पढ़ा है? कैनिजारो रिएक्शन में। मैंने कहा था क्रॉस कैनिजारो नहीं है, क्योंकि उसमें एक एच सी एच ओ है तो दूसरा बेंजल्डिहाइड है। दोनों अलग अलग कार्बन है कार्बन ही, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड के। याद है कि नहीं है? तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन है, दोनों नाम एक ही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन और ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन, इन विच सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। क्लियर? सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ये दोनों सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसकी, बहुत सारी एग्जाम्पल है इसकी। और एग्जाम्पल जैसे लिया मैंने, याद कर लेना इसको, MnO4 2 नेगेटिव याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ग्रीन कलर का कंपाउंड है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम आता है, और इफ इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। क्लियर? और दिस मैंगनेट आयन, और इफ दिस मैग्नेट आयन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, देन MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर प्लस प्लस MnO2 ब्लैक पाउडर इज फॉर्म, पाइरोलुसाइट। ये बनता है, ये याद रख लेना। ग्रीन कलर का कंपाउंड है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कुछ टाइम तक पड़ा रहेगा, और इफ इट इज अलाउड ओनली टू स्टैंड फॉर सम टाइम, देन इट विल फॉर्म, देन इट विल डिस्प्रोपोर्शनेट टू फॉर्म परमैंगनेट आयन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये बन जाएगा इसमें। ये एग्जाम्पल सारी याद कर लेना, एग्जाम्पल कोई मैं छोड़ दूँ। और इसके इनके उल्टा करते हैं तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है? कॉम प्रोपोर्शनेशन, कंबिनेशन प्रोपोर्शनेशन। समझ आया कि नहीं? याद कर लेना, पांचवें में उसको लिख लेना। कॉम प्रोपोर्शनेशन क्या होता पता लग गया? कॉम प्रोपोर्शनेशन इसके जस्ट उल्टा। फोर्थ बेस्ट एग्जाम्पल, Cl2 में डायल्यूट एनओएच डालो, Cl2 में कंसंट्रेटेड एनओएच डालो, Cl2 हो या Br2 हो, क्या आंसर आएगा? बच्चे लिख लेंगे जल्दी से, NaCl प्लस NaOCl, NaCl प्लस NaClO3 कंसंट्रेटेड है तो हो जाता है।